Hello parents and my dear students, welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar, mobile number 7568077458, class 4, subject English Grammar, chapter 4, lecture number 1. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. Students, अगर इस lecture के दौरान आपको कोई doubt है, तो वो doubt आप अपनी notebook में लिख लीजिए. जब भी आपके schools reopen होंगे, तो वो doubt आप अपने related teacher से clear कर लीजिएगा. Okay, students? So now, take out the books of English grammar. Okay, so take out your books of English grammar and turn to page number 12. Students, English grammar ki books nikaliye aur page number 12 pe latiye. On that page we have chapter number 4. Page number 12 pe chapter number 4 hai jiska naam hai irregular adjectives. Hamara topic kya hai? Irregular adjectives. Okay students, Now let us know what are these. चलिए पढ़ते हैं ये क्या है. You have learned in the previous grade that adjectives can be used to compare two people, places, things or animals, or one person, animal, place or thing with other members of the same group. Okay? So, देखिए यहाँ कहा गया है कि आपने पिछले grades में, पिछले class में adjectives के बारे में पढ़ा होगा. Okay? जो कि use होते थे. Okay? ऐसे adjectives के बारे में पढ़ा होगा जिन्हें हम use कर सकते हैं लोगों की तुलना करने के लिए, दो जगहों की तुलना करने के लिए, दो वस्तुओं की तुलना करने के लिए या दो प्राणियों की तुलना करने के लिए. ओके, ऐसे एडजेक्टिव्स कौन से एडजेक्टिव्स कहलाते हैं? कंपैरेटिव. देखिए आगे ब्रैकेट में लिखा है कंपैरेटिव. ओके, और वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग विद अदर मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप, या किसी एक व्यक्ति, एक प्राणी, एक स्थान या एक वस्तु को बाकी सारे सदस्यों को, यानी ग्रुप के बाकी सारे सदस्यों के साथ तोला जाए और उसकी तुलना की जाए. ओके, ऐसे एडजेक्टिव्स आपने पढ़े होंगे. ऐसे एडजेक्टिव्स को क्या कहा जाता है? सुपरलेटिव. क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? सुपरलेटिव. नाउ वी हैव एन एक्टिविटी ओवर हियर. स्टूडेंट्स, नीचे हमें एक एक्टिविटी दी गई है जिसे हमें स्टार्ट करना है. सो लेट अस स्टार्ट. सर्कल द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट ईच सेंटेंस, फुल स्टॉप. तो यहां कहा गया है कि आपको नीचे दिए गए सेंटेंसेस में जो करेक्ट ऑप्शन है उसे सर्कल करना है. ओके स्टूडेंट्स, यहां देखिए हर एक में तीन ऑप्शंस हैं, तो आपको जो सही है उसे सर्कल करना है. सो द फर्स्ट वन इज, पहला है वी आर डैश बिकॉज ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज. ओके, वी आर डैश बिकॉज ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज. यहां कहा गया है कि हम डैश हैं रोज कसरत करने की वजह से. ओके, बिकॉज ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज. नाउ द वर्ड्स आर, व्हाट आर द ऑप्शंस? हमारे ऑप्शंस क्या हैं? हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दीएस्ट. ओके, सो स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, ना ही दो लोगों के बीच में, ना ही किसी ग्रुप के मेंबर्स के बीच में. ओके, सो यहां पर जो वर्ड होगा जिसे हम सर्कल करेंगे वो होगा हेल्दी. H E A L T H Y, इसे सर्कल कर लीजिए स्टूडेंट्स. H E A L T H Y, हेल्दी. डन. ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज माय अंकल्स जोक्स आर डैश देन माई डैड्स.
ओके सो यहाँ देखिए सेंटेंस में कहा गया है मेरे अंकल के जो जोक्स होते हैं वो डैश होते हैं मेरे डैड के जोक्स से। ओके यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लिखा हुआ है यानी मेरे डैड के जोक्स से। सो यहाँ पर दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। स्टूडेंट्स लुक हियर, यहाँ पर दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। सो हम यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज करेंगे? फनियर, FUNNIER, फनियर। माई अंकल्स जोक्स आर फनियर देन माई डैड्स। ओके सो यू हैव टू सर्कल द वर्ड फनियर। आपको वर्ड फनियर को सर्कल करना है स्टूडेंट्स, सो आप इसे सर्कल कर लीजिए। डन, ओके नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस। द लास्ट टीम वॉज द डैश ऑफ ऑल, फुल स्टॉप। अब देखिए यहां कहा गया कि जो लास्ट टीम थी वो डैश थी सब में। नाउ लुक हियर, अब यहां पे सारी टीम्स की बात हो रही है। ओके सारी टीम्स में से एक। ओके स्टूडेंट्स सो कौन सी डिग्री होगी ये? सुपरलेटिव। कौन सी? सुपरलेटिव डिग्री, जब किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी को सारे सदस्यों में से अव्वल माना जाए, उसकी तुलना की जाए, उसे उस तुलना में सबसे अव्वल माना जाए, तो वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। ओके तो यहां भी कौन सा वर्ड होगा यूज? स्मार्टेस्ट। कौन सा? स्मार्टेस्ट, SMARTEST, स्मार्टेस्ट। सो द सेंटेंस विल बी द लास्ट टीम वॉज द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल। जो लास्ट टीम थी वो सबसे स्मार्ट थी। ओके सो यहां पर आप सर्कल कर लीजिए वर्ड स्मार्टेस्ट को। स्टूडेंट्स सर्कल कर लीजिए वर्ड स्मार्टेस्ट को। डन, ओके नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेंटेंस। तारक इज डैश देन हिज एल्डर ब्रदर। तारक इज डैश देन हिज एल्डर ब्रदर। अब यहां का आ गया तारक जो है वो अपने बड़े भाई से ज्यादा डैश है। द वर्ड इज पोलाइट। ओके क्या वर्ड है? पोलाइट। सो यहां पर दो लोगों के बीच में तुलना हो रही है। स्टूडेंट्स लोग देखिए दो लोगों के बीच में तुलना हो रही है, सो विच डिग्री इज इट? कौन सी डिग्री है ये? कंपैरेटिव। कौन सी डिग्री है स्टूडेंट्स? कंपैरेटिव। सो आपको सर्कल करना है वर्ड पोलाइटर, POLITER, पोलाइटर पे सर्कल कीजिए। स्टूडेंट सर्कल द वर्ड पोलाइटर, POLITER, जो सेंटर में ये वर्ड है इसे सर्कल कीजिए। तारक इज पोलाइटर देन हिज एल्डर ब्रदर। डन, ओके नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस। दिस इज वन ऑफ द टेस्ट ऑफ माय लाइफ, फुल स्टॉप। अब देखिए दिस इज वन ऑफ द टेस्ट ऑफ माय लाइफ, ये उनमें से एक टेस्ट है मेरी लाइफ का। तो यहां देखिए यहां पर सारे टेस्ट की बात की गई है, उनमें से एक। ओके जब हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप की बात करते हैं या किसी पर्टिकुलर समूह की बात कर रहे हैं और उसमें से कोई एक, सो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री यूज होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? सुपरलेटिव डिग्री। सो यहां पर कौन सा वर्ड होगा? टफेस्ट, TOUGHEST, टफेस्ट। सो यू हैव टू सर्कल द वर्ड टफेस्ट। आपको वर्ड टफेस्ट को सर्कल करना है स्टूडेंट्स, आप सर्कल कर लीजिए वर्ड टफेस्ट को। डन, ओके सो द सेंटेंस विल बी दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट टेस्ट्स ऑफ माय लाइफ, ये सबसे कठिन इम्तिहान है मेरी लाइफ का। ओके नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहां कहा गया है कि नीचे दिए गए सेंटेंसेस को देखिए। द बुक वॉज बेटर देन द मूवी, फुल स्टॉप। तो यहां कहा गया है जो किताब थी वो मूवी से अच्छी थी, उससे बेहतर थी। द वेदर विल गेट वर्स एट नाइट, यहां कहा गया है जो मौसम है वो रात को खराब हो जाएगा। द वर्ड्स बेटर एंड वर्स आर द कंपैरेटिव
डिग्रीज। यहाँ कहा गया है कि वो शब्द वर्स और बेटर दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री में आते हैं, ऑफ गुड एंड बैड, ये दोनों ही गुड और बैड की कंपैरेटिव डिग्रीज हैं रेस्पेक्टिवली। ओके, सम एडजेक्टिव्स लाइक गुड एंड बैड यूज इंटायरली न्यू वर्ड्स टू फॉर्म देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज, फुल स्टॉप। अब देखिए यहाँ क्या कहा गया है, यहाँ कहा गया है इस सेंटेंस में कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जैसे कि गुड और बैड, कैसे होते हैं गुड और बैड, जो कि बिल्कुल ही अलग नया शब्द यूज करते हैं अपना कंपैरेटिव फॉर्म और सुपरलेटिव फॉर्म बनाने के लिए। स्टूडेंट्स याद रखिए, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जैसे गुड और बैड, जो अपना बिल्कुल ही नया वर्ड यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। सच एडजेक्टिव्स आर नोन एज इररेगुलर एडजेक्टिव्स, ऐसे एडजेक्टिव्स को क्या कहा जाता है, इररेगुलर एडजेक्टिव्स। इररेगुलर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो अपने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को बनाने के लिए बिल्कुल ही नए वर्ड का यूज जिसमें हो वो इररेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं। ओके, नाउ टर्न योर पेज एंड कम टू पेज नंबर 12, पेज नंबर 13। हियर वी हैव डेफिनेशन ऑफ इररेगुलर एडजेक्टिव्स, यहां पर इररेगुलर एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन है, सो चलिए इसे पढ़ते हैं। एडजेक्टिव्स दैट कंप्लीटली चेंज देयर फॉर्म इन द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज आर कॉल्ड इररेगुलर एडजेक्टिव्स। अच्छा, तो देखिए यहाँ कहा गया है ऐसे एडजेक्टिव्स जो अपना फॉर्म बिल्कुल ही बदल देते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज में, उन्हें इररेगुलर एडजेक्टिव्स कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, उन्हें क्या कहा जाता है, इररेगुलर एडजेक्टिव्स। लेट्स लुक एट सम कॉमन इररेगुलर एडजेक्टिव्स, यहाँ कहा गया है कि देखिए कुछ कॉमन इररेगुलर एडजेक्टिव्स हैं उन्हें देखते हैं। ओके, सो वी हैव टू लुक एट द टेबल, हमें इस टेबल को देखना है। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकेंड इज कंपैरेटिव एंड थर्ड इज सुपरलेटिव। ओके, सो द फर्स्ट वर्ड इज गुड, पहला वर्ड क्या है गुड। नाउ इट विल बिकम बेटर, कंपैरेटिव में जब ये जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटर, और जब ये सुपरलेटिव में जाएगा तो बन जाएगा बेस्ट। ओके, सो यू हैव टू लर्न इट लाइक दिस, गुड बेटर बेस्ट, आपको इसे इस तरह से याद करना है, गुड बेटर बेस्ट। देन नाउ नेक्स्ट वर्ड इज बैड, अगला वर्ड क्या है बैड, जब ये कंपैरेटिव में जाएगा तो वर्स्ट बन जाएगा और सुपरलेटिव में जाएगा तो वर्स्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा वर्स्ट, सबसे खराब। नाउ मच और मैनी, मच या मैनी पॉजिटिव में है, जब भी कंपैरेटिव में जाएंगे तो मोर बन जाएंगे और सुपरलेटिव में जाएंगे तो मोस्ट बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे मोस्ट, सो यू हैव टू रीड इट लाइक दिस, मच मैनी मोर मोस्ट। नाउ द वर्ड इज लिटिल, अगला वर्ड क्या है लिटिल, जब भी कंपैरेटिव में जाएगा तो लेस बन जाएगा और सुपरलेटिव में जाएगा तो लीस्ट बन जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ओल्ड, ओल्ड जब कंपैरेटिव में जाएगा तो एल्डर बन जाएगा और सुपरलेटिव में जाएगा तो एल्डेस्ट बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज फार, अगला वर्ड क्या है फार, जब भी कंपैरेटिव में जाएगा तो फर्दर या फार्दर हो जाएगा और जब ये सुपरलेटिव में जाएगा तो फर्देस्ट या फार्देस्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो यू हैव टू लर्न दिस टेबल, आपको ये टेबल याद करना है और कैसे करना है, ऐसे गुड बेटर बेस्ट बैड वर्स वर्स्ट मच मोर मोस्ट लिटिल लेस लीस्ट ओल्ड एल्डर एल्डेस्ट फार फादर फादेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, दिस वे यू हैव टू लर्न द टेबल, ओके, आपको इस तरह से ये टेबल याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट सम रूल्स, नीचे देखिए कुछ रूल्स दिखे लिखे गए हैं। इफ एन एडजेक्टिव इज लॉन्ग एंड
डज नॉट एंड विथ वाई, अगर कोई एडजेक्टिव बड़ा है और वो वाई से एंड नहीं होता है. द वर्ड मोर इज यूजुअली एडेड टू द कंपैरेटिव फॉर्म एंड मोस्ट टू द सुपरलेटिव फॉर्म. अच्छा तो देखिए यहाँ क्या कहा गया कि कोई एडजेक्टिव बहुत लंबा है. ओके, इफ द एडजेक्टिव इज लॉन्ग एंड डज नॉट एंड विथ वाई, और वो वाई से ख़त्म नहीं होता है, तो उसके आगे हम मोर लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते वक्त, और मोस्ट लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते वक्त. इंस्टेड ऑफ ER एंड EST, उसमें ER और EST लगाने से बेहतर है हम उसे मोर और मोस्ट लगाएं. ओके, सच एडजेक्टिव्स आर ऑल्सो कॉल्ड इररेगुलर एडजेक्टिव्स, ऐसे एडजेक्टिव्स को भी इररेगुलर एडजेक्टिव्स कहा जाता है. ओके, सो बिलो वी हैव एग्जाम्पल्स, नीचे देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं. मोर इंटेलिजेंट, ये कंपैरेटिव डिग्री जब यूज़ करते हैं तब. मोस्ट इंटेलिजेंट, ओके, सुपरलेटिव डिग्री जब हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इनका कोई और फॉर्म नहीं होता, इंटेलिजेंटर नहीं होता, इंटेलिजेंटेस्ट नहीं होता है. इट विल बी मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट, क्या होगा ये, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट. नेक्स्ट इज मोर ब्यूटिफुल एंड मोस्ट ब्यूटिफुल, अगला क्या है, मोर ब्यूटिफुल एंड मोस्ट ब्यूटिफुल. ओके, इसमें ब्यूटिफुलर नहीं होता और ब्यूटिफुलेस्ट नहीं होता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ बिलो वी हैव अनदर एक्टिविटी, नीचे हमें एक और एक्टिविटी दी गई है जिसे हमें पढ़ना है और समझना है. अंडरलाइन द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स ऑफ इररेगुलर एडजेक्टिव्स यूज्ड इन द पैसेज बिलो फुल स्टॉप. यहाँ हमें कहा गया कि नीचे जो पैसेज दिया गया है उसमें आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स यूज करने हैं इररेगुलर एडजेक्टिव्स के. किसके स्टूडेंट्स, इररेगुलर एडजेक्टिव्स के. सो लेट अस स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं. देयर इज अ फुटबॉल मैच बिटवीन आवर स्कूल एंड अनदर. यहाँ कहा गया है कि एक फुटबॉल मैच है हमारे स्कूल और दूसरे स्कूल के बीच में. दे हैव अ बेटर टीम देन आवर्स, उनकी टीम हमारी टीम से बेटर है. सो स्टूडेंट्स लुक हियर, यहाँ पर देखिए वर्ड बेटर यूज हो रहा है. क्या यूज हो रहा है, वर्ड बेटर, BETTER, बेटर यानी हमसे बेहतर है. सो आप अंडरलाइन कर लीजिए इस वर्ड को, क्योंकि कंपैरेटिव फॉर्म में है. अंडरलाइन द वर्ड बेटर, आप बेटर वर्ड को अंडरलाइन कीजिए स्टूडेंट्स. डन, ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस. द लास्ट मैच विथ देम वॉज द वर्स्ट वन वी हैड इन द एंटायर टूर्नामेंट. तो इस सेंटेंस में कहा गया कि जो पिछला मैच हुआ था उनके साथ वो सबसे घटिया था पूरे टूर्नामेंट में. ओके, जितने भी हमने टूर्नामेंट में मैचेस खेले हैं उनमें से सबसे घटिया, ओके, यानी वर्स्ट. सो यू हैव टू अंडरलाइन द वर्ड वर्स्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है स्टूडेंट्स. कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव. सो आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए, वर्स्ट, WORST, वर्स्ट, इस वर्ड को अंडरलाइन कीजिए. डन, ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन. देयर कैप्टन स्कोर्ड अ गोल फ्रॉम द फार्देस्ट पॉसिबल पॉइंट. ओके, सो यहां पर कहा गया कि उनकी कैप्टन ने एक गोल स्कोर किया बहुत ही दूर से, फार्देस्ट पॉसिबल पॉइंट, जहां से गोल करना पॉसिबल नहीं था वहां से उनके कैप्टन ने गोल किया. सो हियर वी हैव द वर्ड फार्देस्ट, सबसे दूर. ओके, सो अंडरलाइन द वर्ड फार्देस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है स्टूडेंट्स, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए. फार्देस्ट, FARTHEST, फार्देस्ट. डन, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस. आवर गोल कीपर डाइव्ड टू हिज लेफ्ट बट द बॉल वेंट पास्ट हिम बिटवीन द गोल पोस्ट. तो यहाँ कहा गया कि हमारा गोल कीपर कूदा अपनी बाईं तरफ बट द बॉल वेंट पास्ट बिटवीन द गोल पोस्ट, लेकिन वो गोल पोस्ट के बीच में बॉल पहुँच चुकी थी. दिस टाइम आवर होप्स ऑफ विनिंग द मैच आर लोअर. तो वो कह रहा है
इससे सेंटेंस में कहा गया कि इस बार जो हमारी उम्मीदें थी मैच जीतने की वो कम हो चुकी थी। सो हियर द वर्ड इज़ लोअर। देखिए लोअर ये वर्ड जो है LOWER लोअर, ये कंपैरेटिव फॉर्म है। सो आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए, लोअर यानी कम है, उनके मुकाबले कम है, कंपैरेटिव फॉर्म में है। अगर लोएस्ट होता तो सुपरलेटिव में होता। सो आप अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड लोअर को। देन आवर ओनली होप इज देव हु इज़ द बेस्ट स्ट्राइकर इन द सिटी। तो यहाँ कहा गया कि हमारी अकेली उम्मीद है देव, जो कि सबसे बेहतरीन है पूरे शहर में। ओके बेस्ट, सो यू हैव टू अंडरलाइन द वर्ड बेस्ट। आपको इस वर्ड को अंडरलाइन करना है बिकॉज ये सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड है। स्टूडेंट्स अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड बेस्ट को, BEST बेस्ट। डन। ओके नाउ सो टुडे वी हैव लर्नड अबाउट इरेगुलर एडजेक्टिव्स। स्टूडेंट्स आज हमने इरेगुलर एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा है। ओके सो व्हाट यू हैव टू डू इन होमवर्क, आपको होमवर्क में क्या करना है, यू हैव टू रीड चैप्टर नंबर 4 दैट इज पेज नंबर 12 and 13। स्टूडेंट्स आपको होमवर्क में चैप्टर नंबर 4 का पेज नंबर 12 और 13 बहुत अच्छे से पढ़ना है और समझना है। आपको इसमें इरेगुलर एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन याद करनी है। देन आपको ये जो चार्ट है, ये जो टेबल है, ये याद करना है और आपको एक्टिविटी 2 को बहुत अच्छे से देखना है और समझना है। बिफोर दैट आई विल शो यू द आंसर्स। उससे पहले आप आंसर्स चेक कर लीजिए कि हमने जो किया है वो आंसर्स सही हैं या नहीं। ओके नाउ लुक एट पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 की जो एक्टिविटी है उसमें देखिए, फर्स्ट वन इज़ हेल्दी, सेकेंड इज फनियर, थर्ड वन इज स्मार्टेस्ट, फोर्थ वन इज पोलाइटर एंड फिफ्थ वन इज टफेस्ट। ओके नाउ कम टू पेज नंबर 13। द फर्स्ट वर्ड इन द सेकेंड लाइन इज बेटर, देन द सेकेंड वर्ड इज वर्स्ट, देन द नेक्स्ट वर्ड इज फादेस्ट, देन द वर्ड इज लोअर, अगला वर्ड लोअर है, एंड द लास्ट वर्ड ऑफ दिस पैसेज इज बेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, ओके नाउ यू हैव टू लर्न ऑल दिस। ओके सो आपको ये चार्ट याद करना है, टेबल याद करना है, एक्टिविटी 2 को अच्छे से देखना है और समझना है, इरेगुलर एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन याद करनी है और एक्टिविटी 1 को भी अच्छे से पढ़ के समझना है। ओके स्टूडेंट्स आई होप यू मे लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।